2 person, accused person. One is Mr. Taket Jarang, who is the prime accused in this APPSC case, and the another, the Kangen Garu, the SI candidate, who was under training, and was arrested in the connection to the APPSC exam. So basically, the first Taket Jarang, Taket Jarang was earlier given bail, default bail, in the SIC case number 12 of 2022. And today the bail application the Taket Jarang filed before the special court UPR is in connection to the SIC case number 11, which was later on transferred to the CBI. So basically, unka jo ground tha, the main ground was they came on Taket Jarang's main plea for bail was that the investigation part was has already been completed and charge sheet also filed. And then another the plea taken by the Taket Jarang was that the length of उनका जो डिटेंशन है अभी तक 6 महीना हो गया तो ऐसा करके उनको बेल दे देने से ठीक है बिकॉज उनका जो भी स्टेटमेंट लेना था एंड एवरी जो एविडेंस है वो सब उनका पुलिस के पास में या सीबीआई के पास में आ गया तो सो देयर इज़ नो चांस ऑफ आपका हैम्परिंग और टेम्परिंग विद एविडेंस तो उनका ये बेसिक वो था तो ऐसा करके उनका ये बेल को फिर हमारा सीबीआई का पीपीपी सीनियर पीपी आज आया था एंड देन ब्रिजेस सर आया था दिल्ली से आया था तो आके उन्होंने भी उनको अच्छा रिप्लाई किया और उनको रिब्यूट करके कहा कि बेल आप एट दिस स्टेज क्योंकि उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि अभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने सीबीआई ने ऑलरेडी आपका चार्जशीट में पहले ही बोल के रखा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उनका अगर इस समय में उसको रिलीज़ कर देगा तो देयर इज़ अ वेरी लाइकलीहुड ऑफ the person, accused person, the Taket Jarang, he being very influential person and is there is a very likelihood of hampering or tampering with the evidence. So, ऐसा करके उनको बोला कि बेल नहीं देना चाहिए, ऑब्जेक्शन किया और रिगार्डिंग जो उनका जो स्टे है आपका जो जेल में 6 month हो गया सो बेसिकली 6 month हो या 1 साल हो तो ऐसा नहीं होता है कि आपका इट इज़ अपॉन द कोर्ट टू डिसाइड कि आपका उनका एक्यूज का क्या है उसका रोल क्या है ग्रेविटी ऑफेंस का जो ग्रेविटी है जो बेसिकली उनको देखता है तो बेल आपका कोर्ट डिसाइड करता है तो ड्यूरेशन जो आप रहा है वो जैसे उन्होंने ताकत जरंग का काउंसिल ने जैसे लिया उनका ऊपर में वो ये नहीं हुआ है मतलब उनको काउंटे मतलब हमेशा उनका ऊपर ही होगा ऐसा नहीं है तो इसी उसको सुन के कोर्ट ने भी ये किया है कि एग्री किया है एंड देन एग्री करके कोर्ट ने बोला है कि द इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो इंडिविजुअल लिबर्टी को सोसाइटल इंटरेस्ट का साथ में देखना जरूरी हो जाता है तो ऐसा करके कोर्ट ने उनका बेल को रिजेक्ट कर दिया हाँ क्योंकि जो ये स्कैम है मैग्नानिमस है बहुत बड़ा है तो इसमें आपका एक ताकत जरंग का जो आर्टिकल 21 में जो उसका जो लिबर्टी है उसको दैट कैन बी कर्टेल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जो सोसाइटी का इंटरेस्ट में कर्टेल किया जा सकता है एंड दैट विल बी नॉट बी अमाउंट टू आपका कर्टेलमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सॉरी फंडामेंटल राइट ऑफ द एनी एक्यूज और दूसरा बात ये आपका कांकेन गारू का ये है उनका बेल मुक्ता तो उसका तो बेसिकली ये था 167 में सीआरपीसी में आया था कि उनका डिफ़ॉल्ट बेल हो गया करके डिफ़ॉल्ट पता चला कि उनका तो ये है कि 70 डेज हो गया तो उनका हिसाब से पिटीशन के हिसाब से ये था कि उनका 60 डेज में उनका डिफ़ॉल्ट हो जाता है यानी कि उसका मैंडेटरी पीरियड पार हो जाता है तो बाद में हम लोगों ने जब कोर्ट में जब देखा तो डिटेल में देखा तो ये हुआ कि उनका 90 डेज तो हुआ ही नहीं तो वेर इज ही उनका तो होता है मैंडेटरी पीरियड 90 डेज क्योंकि 409 IPC का तो 90 डेज होता है तो इसलिए वो
उनको उनका बेल को भी उनका जो सबमिशन उसको भी रिजेक्ट कर दिया, उनका बेल को रिजेक्ट कर दिया स्पेशल जज ने, तो उनका डिफॉल्ट अभी तक नहीं हुआ है, अनदर 20 डेज उनका बचा है करके। तो आज का दो ही बेल था। हाउ इज द चार्ज शीट लुकिंग अप दिस टाइम बाय द सीबीआई, क्योंकि प्रीवियस में वी हैव सीन दैट प्रीवियस जो केसेस था वहाँ पे चार्जशीट जो वॉज नॉट अच्छा से फाइल नहीं हुआ, जिसका वजह से बहुत सारा एक्यूज को बेल मिल गया था। राइट नाउ हाउ इज द चार्जशीट लुकिंग? देखिए या मैं जित आप लोग ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आपका जो सही भी है, आप जो पूछा है इट नीड टू बी आंसर्ड, और बहुत कुछ क्लियर भी करना है। देखिए चार्जशीट अभी पहले का चार्जशीट कमज़ोर था ना, ये था आप लोग देखिए किसी का सुन के या किसी का मतलब आपने सुन के आप ऐसा नहीं बोलना है। एंड दोज पर्सन हु हैज कोर्ट बेल अर्लियर, वो ऐसा नहीं है कि चार्जशीट में कमजोरी था, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं था, कोई किसी को भी मेरा ये मेरिट में बेल मिला नहीं, डिफॉल्ट में मिला है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करना होता है एक सर्टेन पीरियड में, चार्जशीट सबमिट करना होता है, वो ये इतना ज़्यादा आपका ये एग्जाम्स है 92 एग्जाम्स का, उसको सेपरेटली एक एक एग्जाम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो ऐसा करके उनको थोड़ा टाइम लग गया। तो टाइम लगने का वजह से 90 डेज जब का अंदर में वो लोग चार्जशीट फाइल नहीं किया बोल के डिफॉल्ट बेल दिया अभी तक जितना भी दिए, और कुछ को मिला है आपका मेडिकल ग्राउंड में मिला है, तो इसमें आप ऐसा बोलने से गलत रहेगा कि चार्जशीट कमज़ोर था या था, क्योंकि चार्जशीट देखिए आपने पूछा कि अभी का चार्जशीट कैसा है, चार्जशीट हमको भी मुझे भी पता नहीं चार्जशीट क्या है, क्योंकि चार्जशीट आपको कोर्ट में देता है, ठीक है, कोर्ट में देता है। एंड देन जो पीपी होता है, पीपी को पता रहता है वो चार्जशीट में क्या रहता है, तो आई एज ए काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट तो हमको तो एक्सेस नहीं होता है, बट देन आई कैन डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ आपका ये सीसी या फिर आपका लेटर स्टेज में हम ऑप्टेन करके एक सीटीसी अप्लाई करके ऑप्टेन करके ज़रूर मैं देख लूँगा। अदरवाइज अभी चार्जशीट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना, ये है, मैं कमेंट इस पर मैं नहीं करूँगा अभी, क्योंकि होपफुली लेट अस होप कि जो सीबीआई है तो अच्छी तरह से ही इन्वेस्टिगेट करके और चार्जशीट भी प्रोबेबली स्ट्रॉन्गली फाइल करेगा होगा, मुझे आशा है। और मैं पब्लिक से भी यही सोचता है कि सब लोग एक बिलीव रखिए, आप लोग भी ना आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है, अच्छा बात है, बट देन एक नेगेटिविटी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सीबीआई ठीक नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वी शुड हैव ए लिटिल पेशेंस ऑल्सो, कोशिश करना है, तो थ्रू जो है आपका अच्छे से जान के चीज़ को वो करना है। सर अभी तक जितना बेल हुआ है इट्स ऑल ऑन डिफॉल्ट और फिर से जो वीक चार्जशीट के वजह से हुआ है करके रिपोर्ट आ रहा है ना सर, तो लास्ट टाइम सीबीआई को पूछा है तो उन लोग बोला है कि देयर मेन टारगेट इज ट्रायल एंड कन्विक्शन बोला था, तो इस ट्रायल एंड कन्विक्शन का प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा अक्यूज लोग जो अभी बेल आउट हो रहे हैं, तो सर उन लोग का जो ये स्टेटमेंट है कन्विक्शन टू ट्रायल वाला, जो आपको क्या लगता है कि लाइक एज अ कंप्लेन एज अ मतलब प्रोसिक्यूटर ये जो कितना वैलिड है? नहीं सही है, क्योंकि देखिए आप एवरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही आपका लास्ट अल्टीमेट आपका गोल ही होता है कि कन्विक्शन, ठीक है। और जो सीबीआई जो आप सीबीआई के बारे में बोल रहे हैं ना, सीबीआई देखिए सीबीआई का जो आपका जो सीबीआई अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा आप लोग का जो क्वेश्चन है, देखिए अरेस्ट भी उन लोगों का हिसाब से करता है, ऐसा नहीं कि सीबीआई अरेस्ट नहीं करता है बोल के, ऐसा भी नहीं, अरेस्ट भी करता है। और कन्विक्शन अभी जो भी आपका जो भी बेल मिला है जो भी चला गया, वो ऐसा नहीं कि आपको अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चार्जशीट में कमजोरी था, ऐसा नहीं है, वीक चार्जशीट था, ऐसा नहीं है। जितना भी बेल मिला है अपना आपका ये में मिला है आपका अभी बोला है कि डिफॉल्ट हो गया उनका जो यानी कि 167 CRPC में आपका जो डिफॉल्ट एक वो डिफॉल्ट बेल चार्जशीट फाइल नहीं हो पाया समय में, तो उन इसलिए उनको बेल दे दिया, या तो फिर किसी का मेडिकल ग्राउंड है, किसी का आपका कुछ ऑपरेशन हो गया, किसी का ये ग्रैंड मदर मर गया, ऐसा करके जितना भी बेल रिलीज हुआ है, ये ऐसा नहीं बेल देखो बेल जो है राइट है, ठीक है, आप बेल अंतिल आप वो है आपको बेल का पर्पस अलग ही आपका अभी जो जा रहा है आप वीक चार्ज से ऐसे से कनेक्टेड नहीं, मेरिट ऑफ द केस से रिलेटेड नहीं होता है, बेल देना है कि नहीं कोर्ट के ऊपर ये होता है। और अभी जो बेल मिला है तो केस वीक हो गया, ऐसा नहीं, आप लोग मत सोचिए ऐसा केस ख़त्म हो गया या फिर APCS केस जो दब गया, ऐसा नहीं है। बेल एक समय के बाद 90 डेज के बाद अगर पुलिस भी अगर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी चार्जशीट फाइल नहीं करता है तो बेल तो मिल ही जाएगा, ठीक। लेकिन उसमें बेल अगर बिफोर 90 डेज अगर चार्जशीट फाइल कर देता है तो उनका अगेंस्ट में जो भी एविडेंस मटेरियल होगा तब आपका रेगुलर बेल मूव करके तब ये करेगा आपका डिसाइड करेगा। अदरवाइज इफ
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है 90 डेज़ के अंदर में तो बेल को एंटाइटल हो जाता है एक्यूज ना, उससे ये मतलब नहीं होता है कि चार्जशीट वीक है ना नहीं है। तो इसलिए सॉरी टू इंटरप्ट बट अगर कोई बेल से निकल जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आल्सो कि इफ़ ही इज़ एन इन्फ्लुएंशियल फिगर ही में और शी में हैम्पर द केस, जो केस को थोड़ा हैम्पर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को। यस डेफिनेटली, तो इसी को लेके ही यही रीजन से हम लोग कोर्ट में देखिए सब लोग तो आके कोर्ट में जो भी एक्यूज आते यही तो बोलता है कि मेरा स्टेटमेंट ले लिया हमने पूरा दे दिया और जितना एविडेंस जो भी कलेक्ट करना था मेरा से सीज करना था कर लिया, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास में आ गया तो अभी हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो यही भी तो हम लोग का कोर्ट में अर्हू रहता है कि हम लोग बोलता है कि एज ए कंप्लेनेंट का तरफ से बोलता है या प्रोसिक्यूशन का तरफ से ये बोलता है कि इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आप जो क्वेश्चन पूछा डेफिनेटली कर सकता है, नहीं कर सकता है बोल के आप ये नहीं है, डेफिनेटली कर सकते हैं। सपोज आप कोई एक्यूज है बहुत हाई इन्फ्लुएंसल है तो बाहर जाके अगर वो बाहर जाके उसको बेल में रिलीज कर देगा तो डेफिनेटली कोई आपका किसी भी ढंग से ये केस को डिरेल करने का भी कोशिश कर सकता है। तो दैट एनीथिंग कैन हैपन, दैट्स द मेन रीजन बेल को रिजेक्ट किया जाता है। एंड देन फाइनल क्वेश्चन सर, बेल पे बेल होते जा रहा है एंड वी आर आल्सो कमिंग एवरी टाइम बेल हियरिंग में आ रहा है, व्हेन इज द ट्रायल हैपनिंग? नहीं देखिए बेल होते जा रहा है, डेफिनेटली आप लोग को भी ऐसा लग रहा होगा कि आप बेल मिल रहा है, इसका मतलब नहीं कि उन लोग ट्रायल से ये हो रहा है, हाँ केस से मुक्त हो गया ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं सोचना है बेल मिल रहा है तो ओके बेल मिल रहा है तो बाहर में जा रहे तो कि केस से मुक्त हो गया ऐसा नहीं है। ट्रायल शुरू होगा एंड ट्रायल शुरू होने के लिए अभी कल गया 14 को भी आपका सीसी कंसिडरेशन ऑफ चार्ज फ्रेम करने का ये था बट देन ड्यू टू सम रीजन चार्ज फ्रेम करने के लिए 3rd अप्रैल को फिक्स कर दिया। तो ऐसा करके डेफिनेटली आपका ट्रायल शुरू होगा वो जो आपका ए ई वाला में 3rd अप्रैल को फिक्स किया। अभी अनदर जो हम लोग का जो SIC केस नंबर 12 यानी कि CBI केस नंबर 2 में जो अभी चार्जशीट फर्स्ट दो आदमी का चार्जशीट फाइल हुआ है ताकि जेरंग, उसके बाद आपका बाकी का भी होगा ऐसा करके वो भी बाद में डेफिनेटली ट्रायल भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये जो प्रोसीजर है वो चलते रहेगा, आप ऐसा नहीं होना कि प्रोसीजर लैप्स होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।